फायदे और नुकसान देखते हैं, किसके, क्लैंप बर्निंग के। अभी हमने पढ़ा कि क्लैंप बर्निंग क्या होती है और कैसे इसमें ईंटों को पकाया जाता है, मतलब एक एक के बाद एक लेयर बिछा करके हम इसको ईंटों को पकाते हैं। तो इसके फायदे क्या है, द बर्निंग एंड कूलिंग ऑफ ब्रिक आर ग्रेजुअल इन ग्रेम क्लैंप, मतलब ये बर्न भी इसी में होगी और कूल भी इसी में होगी। मतलब जैसे जैसे ये मतलब भट्टा ही बोलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर हमने इसमें फ्यूल जलाया है, तो जितना टाइम हमने बर्न हुआ है, जितना इग्नाइट हुआ है, वैसे ही इसको नेचुरल तरीके से ये ठंडा भी होगा। तो क्या होता है, ये पूरा नेचुरली होता है, मतलब ग्रेजुअली हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकार के ब्रिक टफ और स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, द ब्रिक ऑफ द बर्निंग ऑफ ब्रिक बाय क्लैम प्रूव्स टू बी चीप एंड इकोनॉमिकल, सस्ती और किफ़ायती रहेगी इससे, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से हम इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रहे हैं, जो हमको अवेलेबल है भूसा वूसा और जो भी हमारा फ्यूल जो लोकली अवेलेबल है वेस्ट होता है उसी को यूज़ कर रहे हैं। नो स्किल्ड लेबर, कोई भी हमारा ऐसा हाई फाई लेबर मजदूर नहीं लगता है, कोई सुपरविजन नहीं लगता है आर रिक्वायर्ड। ये आप भी अपने हिसाब में ऐसे बनाना हुआ, अगर आपको घर में ईंट, तो इस प्रकार से आप ईंट बना सकते हो, आपको कोई अलग टाइप से कोई भी वर्किंग नहीं लगेगी। द क्लैंप इज नॉट लाइबल टू इंजुरी फ्रॉम हाई विंड और रेन। ये वाला जो क्लैंप हम बनाते हैं, इसमें मड का प्लास्टर होता है, तो ये कैसे अफेक्टेड नहीं होता है, हवा चली तो ये भुज जाए उससे भी अफेक्टेड नहीं होगा, पानी आया तो भैया ये हमारा प्लास्टर है मड का, ठीक है, तो हमारी पानी भी इस तरह के भट्टे में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, देयर इज कंसिडरेबल सेविंग ऑफ फ्यूल। ये इसमें हम एक तरह से फ्यूल की सेविंग करते हैं, कैसे, क्योंकि लेयर बाय लेयर जला रहे हैं, तो खुद की उत्पन्न जो ऊष्मा है वो भी ठंडी जल्दी नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फ्यूल का सेव कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। मगर इसके नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज इसमें क्या है, ठीक है, ब्रिक आर नॉट ऑफ रेगुलर शेप। क्या होता है, दिस मे बी ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ ब्रिक्स व्हेन फ्यूल नियर अबाउट इज बर्न एंड टर्न टू एशेस। क्या होगा, जैसे जैसे ये फ्यूल जलता जाएगा, ये वाला फ्यूल हमारा जलता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये नीचे सेटल्ड होते जाएंगे, है ना, ये फ्यूल तो जल के राख हो जाएगा और ब्रिक धीरे धीरे से नीचे खसकती जाएगी। ये खसकन जो होती है जलने के दौरान ही, इस कारण से हमारी जो ईंटों का शेप रहता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिकें सेटल्ड होने लग रही है। व्हेन फ्यूल नियर अबाउट टू बॉटम इज बर्न टर्न टू एशेस, जैसे ऐसे नीचे आता जाएगा ऐसे ऐसे ये तो राख बनता जाएगा और ये दबता चला जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है हमारी ईंटों की बर्न करने की। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रेगुलेट फायर इन द क्लैंप वंस इट स्टार्ट बर्निंग। अगर इसमें आगी ज़्यादा हो जा रही है तो इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, मतलब इसको ठंडा नहीं कर सकते, मतलब हमारा रेगुलेशन इसकी आगी पे नहीं रहेगा, मतलब जो भी फ्यूल की बर्निंग है, जैसे इसमें हमारा जो जैसे चूल्हा होता है, चूल्हे में हम कैसे रेगुलेट, कैसे लकड़ी डालकर या निकाल करके रेगुलेट करते हैं उसके आगी पे, है ना, वहीं गैस के ऊपर एक नॉब लगा रहता है जिससे हम उससे रेगुलेट कर लेते कि मंदा करना है कि तेज करना है। तो इसमें क्या है, कोई रेगुलेटर नहीं रहता है, मतलब हम किस प्रकार से आगे को कम करना है बढ़ाना है कुछ नहीं कर सकते, जिस प्रकार से वो जल रहा है वो वैसा ही जलता जाएगा। क्लैंप वंस इट स्टार्टेड बर्निंग, एक बार ये जलना शुरू हुआ, एंड द ब्रिक आर लाइबल टू अनइवन बर्निंग, मतलब हमारी ईंटों की जो लेयर हमने बिछाई है वो एक जैसी नहीं बर्न होती, वो अलग अलग तरीके से बर्न होती है। ठीक है, मतलब कुछ पकड़ी है, कुछ नहीं पकी हुई है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ ब्रिक इज नॉट यूनिफॉर्म, जो हमारी एक एक ईंट है वो एक जैसी नहीं रहेगी, मतलब ईंट का जो स्लॉट है जो हम एक साथ बर्न कर रहे हैं, मतलब एक ईंट अलग एक ईंट अलग, ऐसी हो सकती, यूनिफॉर्म नहीं होती है। द ब्रिक नियर द बॉटम आर ओवर बर्नड एंड दोज नियर साइड्स एंड टॉप आर अंडर बर्नड।
क्या बोल रहे हैं, जो ये नीचे वाली जो लेयर है हमारी ईंटों की, वो ज़्यादा पक जाती है इस वाली बर्निंग में, और ऊपर वाली कम पकी हुई मिलती है हमको। क्यों? क्योंकि नीचे वाली ज़्यादा फ्यूल के आसपास रहती है, नीचे की साइड हमारी ऊष्मा ज़्यादा रहती है और ऊपर के साइड में हमारी अनबर्न्ड ब्रिक रहती है, ठीक है, जो सही से नहीं जली होती है। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए हमने क्लैंप को कम यूज़ करा, मतलब यूज़ नहीं करा। फिर हम आते हैं क्लीन बर्निंग पे, हम इसी का उपयोग करते हैं क्लीन का, ठीक है। क्लीन को कैसे, हम क्लीन में हम कैसे ब्रिके पकाते हैं इसको देखते हैं। एक तो होता है इंटरमिटेंट क्लीन और एक कंटिन्यूस क्लीन होता है, ठीक है। अ क्लीन इज लार्ज लार्ज ओवन विच इज़ यूज टू बर्न, ये एक बड़ा ओवन प्रकार का होता है जो हमको ईंटों को बर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। द क्लीन विच आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, दो प्रकार के ब्रिक होते हैं, एक इंटरमिटेंट क्लीन होता है और दूसरा हमारा कंटिन्यूस होता है। दिस क्लीन आर इंटरमिटेंट इन द ऑपरेशन विच मीन्स दैट द दे लोडेड फायर्ड कूल्ड एंड अनलोडेड, मतलब हमने इसको जमाया, लोडेड किया, फायर्ड किया मतलब जलाया, ठंडा किया और फिर अनलोडेड किया, मतलब हमने ब्रिकों को अलग अलग करा। सच क्लीन मे बी आइदर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर इन द प्लान, मतलब ऊपर से देखने पे हमको ये भट्टे चौकोर भी दिख सकते हैं और सर्कुलर भी दिख सकते हैं, ठीक है। दे मे बी अंडरग्राउंड और दे मे बी ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड, अगर ये धरती के ऊपर भी हो सकते हैं और ये जमीन के अंदर भी हम इनको भट्टे बना सकते हैं, मतलब धरती के अंदर, जैसे कैसे हमने खोद करके कुछ एरिया हमारी धरती का निकाल के अलग कर दिया, अंडरग्राउंड हमने मतलब आधे अंदर और आधे भट्टे बाहर, ऐसे भी हम जला सकते हैं, ठीक है। दे आर क्लासिफाइड इन टू वेज, ये वाले भी दो प्रकार के होते हैं, इंटरमिटेंट अप ड्रॉट क्लीन और इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट क्लीन। अप ड्रॉट क्लीन क्या होते हैं, दिस क्लीन आर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर, ये चौकोर शेप में होते हैं, ये वाले जो क्लीन होते हैं थिक होते हैं, थिक आउटसाइड वॉल से बने होते हैं। द वाइड डोर आर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एंड लोडेड अपलोडेड क्लीन, इस प्रकार से आप देख सकते हो, हमको पूरा पढ़ना इसको ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने इनके डोर बना दिए, दो दरवाजे बना दिए, ये दीवारें बनाई हैं हमने, ठीक है, साइड साइड में ये ब्रिकों की ऐसी लाइनें जमी हुई है, ठीक है। ये जो हमने ये रेक्टेंगुलर प्लान बनाया, ये हम छत से देख रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे यहाँ से डोर से इंटर करके, पहले जलाने के पहले यहाँ पे ब्रिक जमाओगे, फिर फ्यूल की लाइन जमाओगे, तो ऐसे करते हुए हम हमारे पास दो डोर मिलते हैं, ऐसे हमने ब्रिकों की लाइन जमाई है और साइड से हमने फ्यूल इंजेक्ट करा है, ठीक है। जितना फ्यूल इंजेक्ट करना है वैसा इंजेक्ट कर सकते हैं, नहीं करना नहीं कर सकते। इस प्रकार से यहाँ पर बर्निंग होती है हमारी और ऐसे ब्रिक्स जमी होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा छोटू रेक्टेंगुलर टाइप का भट्टा। इना इना लाइन का तो और इना छोटा ये सीमा होना ही या ही रिया जे एक ही सीमा है, इन्हीं सीमा से या और या और फिर ऐ या और या बन, और ये जो इन्हीं गलत तो ना अपन यहाँ से शुरुआत होती है अपनी, नहीं डिजाइन यही रहेगा बाबा, डिजाइन तो रहेगा कुछ नहीं, ये यहाँ से ये में नहीं दे रखे सही साइड, वो मैं खाली छोटो है ऐसे बता दियो, पर रियल ये मिलनी चाहिए। द रॉ ब्रिक आर लेड इन रो ऑफ थिकनेस इक्वल टू, सॉरी फोन गिर गया। द रॉ ब्रिक आर लेड इन द रो थिकनेस इक्वल टू 2 to 3 ब्रिक एंड हाइट इज इक्वल टू 6 to 8 ब्रिक, मतलब हम जो हमारी कच्ची ईंटों को जमाते हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस 2 से 3 ब्रिक तक इकट्ठी जमा सकते हैं और हाइट कितनी 6 से 8 ब्रिक की रखते हैं, मतलब हाइट में हम 6 से 8 ब्रिक जमाएंगे और थिकनेस में हम 2 से 3 ब्रिक जमाएंगे। एंड स्पेस इज अबाउट 2 ब्रिक इज लेफ्ट, 2 ब्रिक की दूरी जितना स्पेस हम लेफ्ट करेंगे हर एक एडजेसेंट रो, मतलब रो के बीच में, ठीक है। दिस स्पेस यूटिलाइज फॉर द प्लेसिंग फ्यूल, इस प्लेस के बीच में हम क्या करेंगे, हमारे ईंधन को जलाएंगे, ठीक है।
फ्यूल इज फिल्ड विथ ब्रश वुड विच टेक प्लेस फायर इजीली इंटीरियर पोर्शन। क्या करेंगे हम, जो ऐसी कोने रहते हैं यहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट करते जाएंगे, किसी भी प्रकार का फ्यूल हो सकता है वो, हम यहाँ से इंजेक्ट करेंगे और इग्नाइट भी करेंगे, उनको जलाना स्टार्ट भी करेंगे। तो इस प्रकार का सेटअप है ये, हम इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लीन। के कंपैरिजन बिटवीन क्लैंप, जो हमने पहले वाला पढ़ा, क्लैंप बर्निंग और क्लीन बर्निंग में क्या अंतर होता है, मतलब हम किस प्रकार से उनको उनके बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर कंपैरिजन बिटवीन क्लैंप एंड क्लीन बर्निंग आइटम्स, मतलब हमारी कैपेसिटी की अगर बात करते हैं, तो हमारी क्लैंप बर्निंग में जो ब्रिक हमारी पकती है, अबाउट 20 हज़ार से 1 लाख ब्रिक कैन बी प्रिपेयर्ड एट अ टाइम। एक बार में हम 20 हज़ार से कितनी क्लैम बर्निंग में 1 लाख तक ब्रिक पका सकते हैं। ठीक है, वहीं क्लीन बर्निंग में हमारी क्या एवरेज 25 हज़ार ब्रिक कैन बी प्रिपेयर्ड पर डे। एक दिन में हम 25 हज़ार ब्रिक प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ये क्या होती है, हमारी बहुत लंबी प्रोसेस होती है जो क्लैम बर्निंग में, भले इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है मगर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। मगर क्लीन बर्निंग में क्या होता है, हम अपना जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट कर सकते हैं और हीट बड़ा कम कर सक बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसलिए हमको ये ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, मतलब जो हम ईंधन जला रहे उसका कॉस्ट किस में ज़्यादा होगा, लो एज मतलब लो होता है हमारी किसमें, क्लैंप बर्निंग में। क्यों लो होता है, क्योंकि हम इसमें घासों को जला रहे, काउडंग को जला रहे, उपलों को जला रहे और लिट्टर को जला रहे, मे बी यूज, मतलब ये लो लो कॉस्ट में आते हैं। जनरली हाई एज कोल डस्ट इज टू बी यूज। क्यों हाई रहता है, क्योंकि हम कोयलों का बुरादा या जो कोयलों वाला फ्यूल है वो यूज कर रहे हैं, इसलिए हमारा कॉस्ट ऑफ फ्यूल ज़्यादा होगा। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट मतलब शुरुआती लागत किसकी ज़्यादा होती है, क्लैम बर्निंग की या फिर हमारी क्लीन बर्निंग की। तो हमारी इनिशियल कॉस्ट जो होती है क्लैम बर्निंग की, वो लो होती है या वेरी लो होती है। एज नो स्ट्रक्चर आर टू बी बिल्ड, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाना पड़ता है। जो हमारी ये क्लीन बर्निंग हमने देखी है, जो भट्टों वाला सेक्शन है, इसमें हमने बुआ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये पूरा बुआ सेटलमेंट। तो हमारी ये क्लीन बर्निंग है, मतलब ये वाला भी जो हमारा बर्निंग है, बोल ट्रेंच क्लीन, मतलब इसमें हमने क्या करा, ये ब्रिक की इनर लाइन प्रोवाइड करी है, फिर यहाँ पर डैम्पर्स प्रोवाइड करे हैं, फिर आउटर ब्रिक की वॉल हमने प्रिपेयर करी है। इस हिसाब से हमने ये भट्टा प्रिपेयर करा है। तो ये भट्टे कैसे हमारे स्थाई होते हैं, मतलब एक बार बुआ में फिक्स भट्टे होते हैं, और ऐसे वाले जो होते हैं, हमारा ये हमारी हाफ मैन क्लीन होता है, ऐसा सर्कुलर हमारा मेरे ओठ क्लीन रहता फट है। रहे हैं, लिप बाम लगा लूंगी।
तो ये हमारे टेम्परेरी नहीं रहते, ये हमारे एक जगह फिक्स जो हो जाते हैं वैसे ही हमारे रहते हैं। तो हमारी इसकी जो कॉस्ट रहती है, शुरुआती जो लागत रहती है, मोर एज परमानेंट स्ट्रक्चर आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। क्यों ज़्यादा? क्योंकि हमको ये स्ट्रक्चर परमानेंट तरीके से बनाना पड़ता है, इसलिए इसकी हमारी जो लागत होती है वो ज़्यादा होती है। क्वालिटी ऑफ ब्रिक, मतलब किस क्वालिटी की हमको ब्रिक मिलेगी। द परसेंटेज ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक इज स्मॉल, अबाउट 60% और सो ऑन। मतलब जैसे हमने 100 ईंट पकाई है इस क्लैंप में, तो हमारी 60 ब्रिक हमको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। मगर हमारी जो क्लीन वाले बर्निंग होते हैं, देखो हर हर इसमें पका लो चाहे इसमें पका लो, कोई ना कोई ईंट की लेयर चाहे इंटरनल होगी तो वो ओवर बर्न्ड होगी। इसीलिए हम अलग अलग क्वालिटी की ब्रिक पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जब एक भट्टा प्रिपेयर होता है तो हमारी सारी एक क्वालिटी की ब्रिक नहीं मिल पाती है उसमें, ठीक है। इसलिए हम उन ईंटों को 3 क्वालिटी में या 4 क्वालिटी में तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है, जैसे हमने इस राउंड सर्कुलर वाले भट्टे को देखा, तो इसमें अंदर की साइड में थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर रहेगा ही साइड, जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, तापमान हमारा कम होता जाएगा। इस कारण से हमारी ईंटें एक प्रकार की नहीं मिलती है हमको, ठीक है। वहीं इसकी बात करते कि कितनी परसेंट ब्रिक हमको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, तो हमारी क्लीन वाले भट्टे में 60% ब्रिक अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, सॉरी क्लैंप वाले में, और वहीं हमारे क्लीन वाले में 90% ब्रिक हमारी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। रेगुलेशन ऑफ फायर, किसमें हम मतलब फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे आगे पे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल रेगुलेट फायर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। क्लैंप में हम फायर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक बार जब हम इसका पूरा सेटअप बना देते हैं तो हमको कहीं से उसको कंट्रोल करने के लिए स्पेस नहीं होता। द फायर इज अंडर कंट्रोल थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। मगर क्लीन वाले जो भट्टे होते हैं उसमें हम फायर को फुल्ली हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्किल्ड सुपरविजन, मतलब जो सुपरवाइजर है हमारे कैसे हैं, पूरे अच्छे तरीके से समझदार या वो कार्य अपने कार्य में पारंगत है कि नहीं। तो हमको क्लैंप वाली बर्निंग में किसी भी अच्छे मजदूर की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट नेसेसरी थ्रू आउट द बर्निंग प्रोसेस, ये कोई भी कर सकता है। मगर इसमें हमारे क्लीन वाले जो भट्टे होते हैं, इसमें हमको क्या कंटिन्यूस मतलब हर टाइम में हमको स्किल्ड मतलब अनुभवी लोगों की या अनुभवी हमको लेबर की जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर की बात करें, मतलब जो हम भट्टा बना रहे हैं वो किस प्रकार का होगा, स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा कैसा टेम्परेरी स्ट्रक्चर होगा, मतलब हम इसको बना भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, मतलब एक बार बनाया इस जगह पे बना लिया, नई जरूरत है अगली जगह पे बना लिया, कहीं भी बना सकते हैं। मगर ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सुटेबिलिटी, सुटेबिलिटी मतलब कितना सुटेबल है और कौन सा वाला हमारा सही रहेगा। सुटेबल व्हेन ब्रिक आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन द स्मॉल स्केल। अगर कम हमारा प्रोडक्शन है, कम ईंटों को हम कम पैमाने पे बना रहे हैं, तो ये वाला हमारा सुटेबल रहेगा। सुटेबल व्हेन द ब्रिक आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल, मतलब हमारा प्रोडक्शन रोज का ही ज़्यादा हो रहा है और रोज की खपत लग रही है उस एरिया में जहाँ हम बना रहे हैं, तो हमारा ये क्या रहेगा, कंटिन्यूस डिमांड हमारी है, तो हमको कौन सा सुटेबल है, क्लीन वाला। टाइम ऑफ बर्निंग एंड कूलिंग, कितना हमको बर्न करने में टाइम लगता है और उतना ही मतलब कितना हमको सुखाने में उसको ठंडा करने में टाइम लगेगा। इट रिक्वायर्स अबाउट 2 से 6 मंथ। क्लैंप बर्निंग में 2 से 6 महीने हमको पूरी प्रोसेस में लग सकते हैं, कूलिंग में, बर्निंग में और कूलिंग में, मतलब हम जब ईट डाल रहे हैं उसके 2 से 6 महीने तक की छुट्टी, जब तक वो हमको यूज करनी है, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बर्निंग और कूलिंग में। एक्चुअल टाइम फॉर बर्निंग ऑफ वन चैम्बर इज अबाउट 24 आवर्स। इसमें क्या होता है, हम 24 घंटे के लिए हम बर्निंग के लिए हमारा भट्टा जलता है, एंड ओनली अबाउट 12 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग ब्रिक। मगर हमको 12 दिन इसको ठंडा करने में लग जाते हैं क्लीन वाले भट्टे को, ठीक है। वेस्टेज ऑफ हीट,
मतलब किस वाले भट्टे में ज्यादा हीट हमारी वेस्ट हो जाती है। देयर इज कंसिडरेबल वेस्टेज ऑफ हीट फ्रॉम टॉप एंड साइड ऑफ हॉट फ्यूल गैसेज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज। इसमें क्या बोल रहे हैं, हमारी जो टॉप और साइड की जो फ्लू गैसेज हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगी। द हॉट फ्लू गैसेज इज यूज टू ड्राई एंड प्री हीट रॉ ब्रिक। मतलब हमारी टॉप की फ्लू गैसेज है, फ्लू गैसेज यूज टू ड्राई, मतलब हमको ड्राई करने में, सुखाने में टॉप फ्लू गैसेज और प्री हीट रॉ ब्रिक्स, हमारी जो कच्ची ब्रिक है जो पहले से हीट हो गई है उसका वेस्टेज हमारा कम से कम होता है। हमारे डिफरेंसेस समझ में आए? यस मैडम। ठीक है। अब क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक से हमने पढ़ लिया था, ठीक है, मतलब अच्छी ब्रिक कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म शेप साइज की, ये सब हमने पढ़ चुके थे, तो इनको पढ़ने की हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हमारे ये अलग अलग टाइप के इसके स्ट्रेंथ के टेस्ट है वो सब हमने देख लिए थे कि कैसे कैसे हमारी कितने क्लास की ब्रिक होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास मतलब वही जामा ब्रिक हमारी। ठीक है। इस प्रकार से हमने देखा था, ब्रिक को पूरा पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे होती है। अब हमको थोड़े से जो स्पेशल ब्रिक है उनको पढ़ना है। ठीक है। उसमें से एक होती है हमारी फायर ब्रिक। ठीक है। फायर ब्रिक को हमको पढ़ना है, जो स्पेशल ब्रिक की हमको रह गई थी, जैसे फ्लाई ऐश की ब्रिक, उनको हमको पढ़ना है। ठीक है। इसमें कोई डाउट? हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक जो हमने पहले कवर नहीं करी थी, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? तो अब इसको ख़त्म करें। एक बार डिफरेंस समझ लो जो भट्टे में अगर आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन होगा। मैन्युफैक्चरिंग हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हमारा एक तो वो हमारे कोर्स में था कि कैसे मैन्युफैक्चर होती है हमारी ब्रिकों को समझना है, और कैसे हमने पूरी प्रोसेस को पढ़ा तो हम उसको जान सकते हैं। अब दो तरह की हमारी क्लैम्प बर्निंग और क्लीन बर्निंग होती थी। ठीक है। अब फटाफट से मेरे को रिवाइज करके बताओ, हमारी ईंट बनाने की प्रोसेस कितनी होती है? 1 2 3 4 थी। पहली कौन सी थी? मैडम पहले थी सॉइल, सॉइल कनेक्ट करना। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मतलब हमारी क्ले को तैयार करना। दूसरी में क्या था हाँ संजय? दूसरी में क्या था? दूसरी में मैडम वो प्लेस देखना, प्लेस उसको प्रिपेयर करके, मतलब कहाँ पे उसको कंस्ट्रक्शन करेंगे वो वो जो जगह मैकेनिक था करना। क्या बोलते दूसरी में मोल्डिंग थी, मोल्डिंग आकार हैं देना है ना। तीसरी में ड्राइंग थी और चौथी में ड्राइंग बर्निंग थी। थी। मतलब मोटी मोटी प्रोसेस बता रही हूँ, उसके अंदर तो हमने बहुत ही कचरा बगदा पड़ा हुआ है। मतलब देखते हैं एक बार से फटाफट से, 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले कैसे करना है तो हमको साइट देखनी पड़ेगी कि कैसी हमारी अच्छी साइट होनी चाहिए। फिर चार तरीके से हम उसको बना सकते हैं। ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे, क्ले को कैसे प्रिपेयर करेंगे, मोल्ड कैसे करेंगे मतलब आकार कैसे देंगे, ड्राई कैसे करेंगे, सुखोएंगे कैसे, और फिर बर्न कैसे करेंगे। इसमें क्या करा था हमने? हेलो, आवाज़ आ रही है हाँ दोनों मैडम को? आ रही है। इस प्रोसेस में प्रिपरेशन ऑफ क्ले में हमने क्या करा? सबसे पहले अनसोइल करा, ऊपर की मिट्टी को हटाया, डिगिंग करा, खुदाई करी, फिर जो खुदाई करने के बाद जो मिट्टी हमारे काम की थी उसको क्लीन करा, मतलब कंकड़ पत्थर और कोई से वेजिटेशन मटेरियल थे उसको हटाया, फिर वेदरिंग के लिए छोड़ दिया, खुले में हमने बारिश के लिए थोड़ा छोड़ दिया उसको, फिर उसकी ब्लेंडिंग करी, मतलब हमने उसको मिक्स करा और क्ले को फिट करा। ठीक है। और यहाँ पर टेम्परिंग करी, मतलब इस वाले टाइप में हमने उसको मिक्स करा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी पहले पॉइंट के अंदर आई है कि हम मिट्टी को तैयार कैसे करें। उसके बाद हमने आज पढ़ा था मोल्डिंग।
मोल्डिंग मतलब हमारी जो मिट्टी है जो गीले फॉर्मेशन में उसको आकार कैसे दे। इसमें हमने दो तरह की मोल्डिंग पढ़ी, एक तो हमारी हैंड मोल्डिंग जिसमें सांचे थे दो, और दूसरी थी मशीन मोल्डिंग जिसमें ऑलरेडी हमारी मशीन के थ्रू क्ले निकल करके आ रही थी। हैंड मोल्डिंग में हमने दो प्रकार के इसके सांचे देखे थे, एक वुडन एक जो लकड़ी से बना हुआ, और एक जो स्टील से बना हुआ। हैंड मोल्डिंग हमने कैसी करी थी, एक ग्राउंड के ऊपर और एक टेबल के ऊपर। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर मतलब हमारी धरती के ऊपर हमने मोल्ड करे थे और सांचों को रिलीज करे थे, ग्राउंड को प्लेन करा था, उसमें सैंड छिड़की थी और हमने सांचों के अंदर से उसको प्रेस्ड करा था हमारी क्ले को, फिर रिलीज कर दिया था। ठीक है, ऐसे करते हमने हैंड मोल्डिंग करी थी। फिर आया था हमारी मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक प्लास्टिक क्ले की मशीन और ड्राई क्ले की मशीन। ठीक है, प्लास्टिक क्ले मतलब हमारी गीली मिट्टी जो पूरी रेडी है वो हमारी मशीन में से निकल के आएगी और वायर से कट होगी, तो इसको क्या भी बोलते हैं, हमारी वायर कट क्ले ब्रिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्राई क्ले मतलब ये पाउडर्ड फॉर्म में होगी, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में हम वाटर को ऐड करेंगे, फिर कैसा है स्टिफ प्लास्टिक स्ट्रक्चर इसमें बनता है मशीन में, और ऐसी ब्रिक हमारी मोल्डेड होकर के निकलेगी। इन ब्रिक को सुखोने की जरूरत नहीं है, इनको डायरेक्टली हम भट्टे में रख सकते हैं। ठीक है, इन ब्रिक को बोलते हैं प्रेस्ड ब्रिक भी बोला जाता है, जो हमारी ड्राई क्ले मशीन के अंदर बनती है। ठीक है, वायर कट ब्रिक और हमारी प्रेस्ड ब्रिक, हमारी अच्छी होती है ये वाली मशीन ब्रिक जो हम मशीनों से बना करके निकालते हैं। क्यों अच्छी होती है, इसके कोने अच्छे होते हैं, इसकी स्मूथ सरफेस होती है, तो ऐसे हमने इनको देखा। फिर क्या होती, हम यहाँ की तीसरी प्रोसेस में एंटर हो गए। हमने पहले मिट्टी को तैयार करा, फिर मोल्ड करा, आकार दिया, फिर उनको नेचुरली सूखने के लिए लगाया। तो सुखाएंगे कैसे, अलग अलग प्रकार से हम इसको सुखा सकते हैं। हमने ड्राइंग प्रोसेस देखी थी, कैसे आर्टिफिशियल हम ड्राई करते हैं, कैसे हम सर्कुलर एयर का परिवहन करके एयर को उसमें गैपिंग करके ड्राई कर सकते हैं, या फिर ड्राइंग यार्ड मतलब नीचे से एक थोड़ा सा हल्का गर्म सा उसका यार्ड प्रिपेयर करेंगे, और फिर हम उसको 3 से 10 दिन तक ऐसे ही सूखने देंगे। फिर उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि कौन सी ब्रिक हमारी सूख गई है, कौन सी नहीं सूखी है। फिर उसके बाद हम भट्टों में इनको रखेंगे। तो भट्टों में इनको बर्निंग प्रोसेस के लिए हमने रखा। बर्निंग प्रोसेस भी हमने दो प्रकार की देखी, एक क्लैंप वाली और एक क्लीन वाली। क्लैंप वाली ऐसे क्लैंप में जमा देते हैं, और क्लीन वाली जो हम ऐसे टाइप के भट्टे, या चाहे रेक्टेंगुलर हो, चाहे हमारा ऐसा स्पाइरल टाइप का भट्टा हो, चाहे हमारा ऐसा सर्कुलर भट्टा हो, तो इसमें रख सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हमको किन भट्टों में पकाना है। ये वाला भट्टा पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करता था, जब हमको ईंटों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, हमारी डिमांड कम थी। आज के टाइम पे हम ऐसे 3 से 4 महीने अगर सिर्फ पकने में छोड़ देंगे तो हमारी ईंटों की खपत तो ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो हम इसको, ये हमारे लिए कारगर नहीं है, तो इसीलिए हमारी क्लीन हमारे लिए कारगर है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक सबको क्लियर है, हाँ समझ में आ यस गई है मैडम, दोनों को? हाँ मैडम। ठीक है,